नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्त देश की बात का। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से हुई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर नजर आया। इस दौरान न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम भी राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ आगे बढ़ती रही। खुद न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के एडिटर इन चीफ मारूफ रजा सुबह से ही सड़कों पर थे और दिल्ली पहुंची इस यात्रा के सफर में उन्होंने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं से बातचीत की। देखिए ये पूरा सफर। और आज हम दिल्ली में पहुंचे 4:30 बजे और इसके बाद 9 दिन और 3 तारीख सुबह से दोबारा से रिवाइव कर रही है और देश की जनता की नब्ज को पहचान रही है। ये कांग्रेस संगठन में एक नई जान लाई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक संजीवनी के माफिक है। राहुल जी, जिस तरीके से उन्होंने रोज 24-25 किलोमीटर चले हैं बिना थकावट के, तो आप देखेंगे जिस तरीके से लोगों को आगे क्यों जा रहे हो यार आप लोग। संगठन जिस तरीके से चल रहे हैं वो अपने आप में दर्शाता है कि लोग जो हैं वो पूरे उत्साह के साथ है। दिल्ली में हालांकि ठंड है लेकिन इस हुजूम ने दिल्ली की जनता में वो गर्माहट वो जोश पैदा कर दिया। क्या लगता है सर, जिस तरीके से सत्ता पक्ष जो है वो कहता है कि साहब राहुल गांधी अपने मन की बात कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे कि कोविड हो रहा है, उससे नहीं मान रहे। राहुल गांधी मन की बात नहीं करते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जनता की चिंता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ वहाँ बातचीत हो जाती है किसानों से, दलितों से, आदिवासियों से, युवकों से, महिलाओं से, पर कोई मन की बात नहीं है। मन की बात हमारे देश में एक ही व्यक्ति करते हैं जिनके पास सभी सवालों का जवाब है और तो वो सोचते हैं। और ये दुर्दशा जो अर्थव्यवस्था हम देख रहे हैं, आर्थिक अक्षमताएँ जो बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राजनीतिक तानाशाही जो हकीकत बन गई है वो उन्हीं का योगदान। सर, सत्ता पक्ष ये कहता है कि पूरी तरीके से राजनीतिक यात्रा है, इसका सामाजिक कोई सरोकार नहीं है। सॉरी, सत्ता पक्ष ये कहता है कि ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक से प्रेरित है और 2024 के लक्ष्य को सामने रख करके की जा रही है। चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। नफरत छोड़ो यात्रा, झूठे वादे छोड़ो यात्रा, आर्थिक विषमताओं से मुक्ति यात्रा, सामाजिक ध्रुवीकरण से मुक्ति यात्रा, तानाशाही से मुक्ति यात्रा। अगर हम ये नहीं मानकर चल रहे हैं कि ये 2023 या 24 के चुनाव के लिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, पर ये फायदेमंद हो सकता है अगर हमारे संगठन में एकता, अनुशासन और एकजुटता जो भारत जोड़ो यात्रा के समय में दिखाई दिया है वो तब भी दिखाई देगा जब भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होगा 30 जनवरी के बाद। सत्ता पक्ष का हमेशा ये आरोप रहा है, वो कहती है कि ये कोविड की गाइडलाइन है। चीन में कोविड चल रहा है, जापान में कोविड चल रहा है, BF7 जो है उस वेरिएंट वो हावी हो चुका है, ऐसे में इस यात्रा का शक्ल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जयराम रमेश के साथ ये पूरा जो हुजूम चल रहा है वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस द्वारा से रिवाइव हो रही है और कांग्रेस इसके जरिए पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। देखना यह है कि ये यात्रा वाकई 2024 की जो लोकसभा की यात्रा है उसको सफलतापूर्वक पूरा कर पाती है कि नहीं कर पाती है। जयराम रमेश और पूरा ये हुजूम है लगातार। मैं इस वक्त न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पूरे इस साउथ दिल्ली के इस सड़क पे चल रहे हैं। हालांकि पारा बहुत ठंडा है, लोग उसके बावजूद अपने घरों से निकले हैं और इस यात्रा के साथ कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं। दिल्ली का तापमान बढ़ा दिया है, क्या लगता है इस यात्रा के पीछे क्या मकसद है कांग्रेस का? देखिए, ये समय की पुकार है और ये खाली कांग्रेस का मकसद नहीं है, पूरे देश भर का मकसद है। आज पूरे देश इस बात को समझ रहा है कि
लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी, और राहुल गांधी इस देश में एकमात्र आवाज़ हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्या इस यात्रा का कोई सामाजिक सरोकार है या पूरी तरीके से इसको पॉलिटिकल समझे? नहीं, पूरी तरीके से सामाजिक है, इसीलिए मैंने कहा कि ये खाली कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, ये पूरे देश उन देशवासियों की भावनाओं की यात्रा है जो इस माहौल में घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं, लोगों को बांटने का काम हो रहा है, तो किसी को शुरुआत करने की जरूरत थी जो भारत को जोड़ने का काम करे। अरविंद जी, जिस तरीके से कोविड की गाइडलाइंस और चिंताएं जताई जा रही है, इस यात्रा का क्या स्वरूप होने जाने? जैसे जैसे यात्रा में भागीदारी बढ़ेगी वो ऐसी और आशंकाएं जताई जाएंगी। तो आप ये बताएं, जिस तरीके से हुजूम लगा हुआ पूरा, ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता है या देश के आम जनता की भागीदारी? आगे आप जाओगे, जामिया के बच्चों ने लगा रखा है, पीछे अनथराइज कॉलोनी वालों ने टेंट लगा रखा था, सपेरे बस्ती है सपेरों ने लगा रखा था, क्लस्टर आया क्लस्टर वालों ने लगा रखा था, आगे कालका जी आरडब्ल्यू ने लगा रखा है, तो आम लोगों की भागीदारी है। क्या क्या है, जिस तरीके से 2024 के चुनाव हैं, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि पूरी तरीके से राजनीति से ओतप्रोत है। देखिए, पहली बात तो इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, दूसरा अगर भारत को जोड़ने की आवाज़ इनको राजनीतिक लगती है तो ये राजनीतिक आवाज़ है। राहुल गांधी, हाँ वसीम, मेरे साथ इस वक्त कन्हैया जी जुड़े हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं और कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। किस तरीके से बात चल रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है पूरे देश को जोड़ने की यात्रा समझी जा रही है जी, इसका कन्हैया जी क्या इसका सामाजिक सरोकार है या राजनीतिक उद्देश्य से जी या राजनीतिक मकसद से निकाली गई है? इसका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सभी मतलब है जी। लेकिन जिस तरीके से कोविड की गाइडलाइन शुरू हुई है, क्या यात्रा का स्वरूप यही रहेगा या इसकी शक्ल बदलेगी? तो जो प्रधानमंत्री गाइडलाइन फॉलो करेंगे वो करेंगे फॉलो, आज प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है जी, जितना वो फॉलो करेंगे उतना फॉलो किया। क्या इस यात्रा से सत्ता पक्ष में जो बेचैनी है वो बेचैनी और बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से यात्रा खासतौर से कांग्रेस टारगेट करने की बात कर रही है? ये सब आम लोगों से लीजिए, उनकी क्या राय है, उनके क्या विचार हैं, हर पार्टी अपने बारे में अच्छा बात करती है। तो ये यात्रा किसी भी तरीके से कश्मीर तक जाएगी जी? चलिए, तो कन्हैया कुमार का कहना है कि यात्रा जो है अपने मकसद पे चलती रहेगी और अपने रास्ते पे चलती रहेगी और कश्मीर तक जाएगी, चाहे राहुल गांधी को अकेले ही जाना पड़े। मुबशिर को बोलूँगा कि ये पूरे हुजूम को दिखाएं, जिस तरीके से भीड़ आ रही है, हर जगह से लोग नज़र आ रहे हैं, गाड़ियों में हैं, रिक्शों में चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और मीलों से चल रहे हैं, सबके हाथ में तिरंगे हैं, झंडे हैं, कांग्रेस के झंडे हैं, और वो जो जज्बा दिखाई दे रहा है वो अजीब व गरीब है। कन्हैया कुमार जुड़े, जयराम रमेश जुड़े, पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद लवली जुड़े और बहुत से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े और बहुत से ऐसे धार्मिक नेता जुड़े जो नज़र आ रहे हैं लगातार कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं जान फूंकती नज़र आ रही है। सकते हैं कि मैं रस्से के दूसरे दायरे में आ चुका हूं, सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है, अलका लांबा मेरे साथ मौजूद है। अलका जी, क्या कहेंगे, इस यात्रा का असल मकसद क्या है? आप देख लीजिए, भारत की राजधानी दिल्ली में इस प्रवेश का बेसब्री से इंतजार था, कन्याकुमारी से चले हुए हैं, पैरों में छाले हैं, मेरे खुद जूते जो है पीछे रह गए, 10 किलोमीटर का सफर, बहुत लोग हैं और एक मकसद है भारत जोड़ो जी। मुद्दे क्या है? बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, उस मुद्दे को केंद्र में लाकर लोगों के लिए हल खोज कर उनकी जिंदगियों को आसान बनाने का नाम है भारत जोड़ो। देखिए, भारत जोड़ो इस यात्रा में अलका लांबा ने जो है जूतों को भी पीछे छोड़ दिया, अब ये देखना है कि ये जो कदम है आगे कांग्रेस को किस दिशा में लेके जाएंगे और आगे क्या नई नीतियां तय होंगी। ये यात्रा कांग्रेस की दिशा नहीं, देश की दिशा और दशा तय करने वाली है। अभी ये यात्रा जब कश्मीर पहुंचेगी, तिरंगा हाथ में होगा, भारत जोड़ो यात्री जो पूरे देश से यात्री हैं वो वहां पहुंचेंगे तो आप देखिएगा मंजर कुछ और होगा, देश जुड़ रहा है और वहां तक जाने तक जुड़ चुका होगा। अच्छा। और देश ताकत से आगे बढ़ेगा, हमारी सरहदों पर मिल रही हमारे दुश्मनों से चुनौतियाँ हों, देश के भीतर की महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे हों, किसानों के मुद्दे हों, मजदूरों के, इस यात्रा का एक ही मकसद था उनको उठाना और ये यात्रा उसको उठाने में श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी तरह कामयाब होती दिख रही। अच्छा लांबा जी, ये क्यों लगता है आपको कांग्रेस को कि ये जो कोविड के बहाने सत्ता पक्ष जो है इस यात्रा पर ब्रेक लगाना चाहती है, रोक देना चाहती है, ये ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी जो है वो घबरा गई है? क्यों नहीं लगेगा, देश के प्रधानमंत्री जी ताबड़तोड़
नियम कानूनों को ताक पे रख कर रैलियां कर रहे हैं, वहां कोई इनको कोविड नहीं दिखता है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कभी कोरोना तो कभी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं। बात यह है कि ये यात्रा तय कर चुके हैं श्री राहुल गांधी जी, जब तक हम भारत के तिरंगे को कश्मीर तक नहीं लहरा देंगे यह यात्रा का अंतिम। ये तो कुछ दिग्गज नेताओं को सुना आपने, लेकिन ये काफिला बहुत बड़ा था। कुछ और स्थानीय नेताओं से भी मुलाकात हुई, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। लगातार जम्मू से आए जी, तो जम्मू अब ये कश्मीर तक जाएगी यात्रा? बिल्कुल कश्मीर तक जाएगी बिल्कुल। क्या लग रहा है इस मकसद के, किस मकसद को लेके निकले? ये एक प्रेम और भाईचारे की यात्रा है। ये एक प्रेम का एक संदेश बन चुका है, मोहब्बत की संदेश बन चुका है। और भारत माता के चार सभाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये गांधी जी के विचारों की सद्भावना की यात्रा है, लोगों को जोड़ने की यात्रा, लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ने की यात्रा है। ये इस पार्टी के सारे दिग्गज लीडर आज रोडों पर हैं। भारत जोड़ो नफरत छोड़ो वो इसलिए है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आज लोग सड़कों पर जनसैलाब है, और जनसैलाब ये बता रहा है कि ये बदलाव की निशानी है, और ये बदलाव देश का बदलाव होगा, ये युवा का बदलाव होगा, युवा जो है इस देश का भविष्य है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से रस्सियों के दायरे में डी बना दिया गया है, सुरक्षा का घेरा बना दिया गया, और उसी सुरक्षा के घेरे में हम चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा का हर लम्हा आपको दिखाएं, हर लम्हा अपने कैमरे में कैद करें, और इस यात्रा का असल मकसद क्या है वो आप तक पहुंचाएं। हालांकि कोविड की चेतावनी की और चिंताओं को देखते हुए ये यात्रा जो है अभी बेअसर नज़र आ रही है, और राहुल गांधी और बाकी जो कांग्रेस के नेता है वो इस बात पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि यात्रा कश्मीर तक जाएगी। हालांकि प्रोटोकॉल अगर लागू हुआ तो उसका पालन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, लेकिन यात्रा को बीच में ख़त्म नहीं करेंगे। हमारे साथ अली मेहंदी। अली क्या कहेंगे, लगातार जिस तरीके से हुजूम उमड़ता जा रहा है, जिस तरीके से टाइम बढ़ता जा रहा है, दिल्ली की सड़कों पे लोग और ज्यादा तादाद में जुड़ रहे हैं। देखिए कन्याकुमारी से जो ये भारत जोड़ने की यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू करी है, इससे भाजपा इतनी डर चुकी है कि दिल्ली में रोकने की भी कोशिश करी थी। ये सैलाब अब रुकने वाला नहीं है, ये सैलाब 2024 में इस देश के अंदर एक नई क्रांति लाएगा जी, जी। नई क्रांति लाएगा, नई क्रांति लाएगा, नई क्रांति लाएगा, नई क्रांति लाएगा, ये कहना है। जिस तरीके से आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि सिक्योरिटी बड़ी मुस्तैद है, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके से राहुल जी से बात हो सके, और ये जो पूरा का पूरा जो यात्रा का जो हुजूम है उस पर बात हो सके, लेकिन जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर मजमा दिख रहा है, कोशिश करूँगा कि बात करूँ और अपने चैनल तक और अपने चैनल के जरिए से देश की जनता तक बात पहुँचाऊँ।
इस वक्त मेरे साथ सुभाष चोपड़ा, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के जुड़े हैं। सुभाष जी, क्या कहना है, ये यात्रा का असल मकसद क्या है? ये नफरत के ऊपर प्यार की जीत है। ये यात्रा का मकसद ही है कि देश के अंदर जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, उसको प्यार से ही जीता जा सकता है, नफरत को नफरत से नहीं जीता। आपने कबूतर हाथ में क्यों नहीं रखा है? आप ये देख ले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ सोनिया गांधी भी पदयात्रा कर रही है, प्रियंका गांधी भी पदयात्रा कर रही है। लगातार जो यात्रा है वो कदम दर कदम अपने मंजिल की ओर बढ़ रही है। साथ ही साथ लोगों का हुजूम, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से निकाय चुनाव हुए थे और कांग्रेस की वो हालत नहीं थी जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में बड़ा जुनून और जोश देखने को मिल रहा है और लोग लगातार मीलों से जो है पैदल चलते आ रहे हैं। तो अब ये समझा जाए कि यात्रा जो है कश्मीर तक लगातार चलती रहेगी और अपने अंत को पहुंचेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ सामाजिक यात्रा है, सांस्कृतिक यात्रा है, या इसका कुछ सियासत से भी लेना देना है? या यू कैमरामैन वसीम अकरम के साथ मारूफ रजा, नई दिल्ली, न्यूज़ बार इंडिया। देश की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।